राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के गोविंद जी, हमारे कोलायत के विधायक गोविंद सिंह साहब, सांसद किशन सिंह जी, पूर्व मंत्री माननीय नरपत सिंह जी, बीकानेर के विधायक गोपाल जी जोशी, खाजूवाला के विधायक डॉक्टर विश्वनाथ जी, बारी के विधायक ज्ञान जी पारे, पूर्व विधायक तारा भंडारी जी, लघु उद्योग निगम के पूरे पूर्व अध्यक्ष मेघा जी लोहिया, बीकानेर डीवाईटी के पूर्व अध्यक्ष गोपाल जी, बिहार जिला अध्यक्ष राम गोपाल जी सुधार और मंडल अध्यक्ष जयवीर सिंह जी, और मेरे सामने बैठी हुई माता बहने और साथ में इतनी सारी संख्या में बैठे हुए इस गर्मी में आए हुए सब मेरे भाइयों बुजुर्गण, आप लोगों का मैं बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आप लोगों ने सब में आके इतना जोरदार प्यार दिया, क्योंकि ये तो देवी सिंह जी का परिवार जैसे लग रहा है। आप लोग सब जिस तरह से आए हो, सब परिवार के रूप में यहाँ बैठे हो। कोई ऐसा नहीं बैठा है कि मैं पार्टी की वजह से आया हूँ, कोई ऐसा नहीं बैठा है कि मैं किसी औपचारिकता पूरे करने आया हूँ। मैं आया हूँ तो प्यार से आया हूँ, और मैंने हमेशा सब लोगों को यही कहा कि राजस्थान को अगर हम लोगों को बनाना है तो एक ही तरीके से बना सकते हैं, प्यार से। 36 के 36 कौम को, सब मजहब को लेके चलेंगे, तो पूरे राजस्थान के लोग जब आगे चल पड़ेंगे तो हमारा ये काम पूरा हो जाएगा। नहीं तो जिस तरीके से ये 65 साल से हम लोगों को दुखी रखा है, वैसे ही ये लोग रखते रहेंगे। हम लोगों को इस चीज को बदलना है। अभी आपको ये पानी की बात कर रहे थे देवी सिंह, मैं देवी सिंह जी पता करना चाह रही हूँ कि ये जो गर्मी के मौसम में पेयजल की जो कमी हो जाती है, इसको ठीक करने के लिए ये सरकार ने अभी तक क्या किया है? गाँव में पेयजल का संकट लगातार बना है। जहाँ मैं गई हूँ वहाँ लोग मेरे को यही कहते हैं कि पानी हमको सही समय पर नहीं मिलता है। उस तरह तो कहते थे कि फ्लोराइड है, कोई कहता है खारा है, और कोई कहता है कि बिल्कुल गंदा और दूषित है जो हमारी तरफ नहीं पहुंच पा रहा है सही तरीके से। 3-4-5 दिनों तक भी पेयजल का इंतजार करना पड़ता है। ये तो कोई भी बने, आजकल के जमाने में जब हमारा इतना सारा कुछ काम हो गया, 65 साल निकल गए, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए कि हम लोगों को 4 और 5 दिन पानी के लिए रुकना पड़े, या हमको टैंकरों के लिए 1000-1000 रुपए रोज देना पड़े, जिसकी वजह से हम लोग अपनी मुसीबत में आ जाते हैं। मैं ये भी जानती हूँ कि आपके इन स्रोतों के अंदर फ्लोराइड पानी की समस्या है और आपके हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं, और गजनेर लिफ्ट और फ्लोराइड लिफ्ट योजना का क्या हुआ? मुझे याद है कि मेरे को आपने उस जब दौरा कर रहे थे तो वहाँ आपने मेरे को रोका था और आपने बताया था कि गजनेर लिफ्ट और फ्लोराइड लिफ्ट योजना हमको अगर आप पैसे देके इसको ठीक कर देते हो तो हमारे पानी की समस्या यहाँ और बहुत हद तक सिंचाई की समस्या भी हमारी खत्म हो जाएगी। उसी समय आप लोगों को 200 करोड़ की मंजूरी हम लोगों ने दी थी और 88 गाँव को पीने के पानी मिले, ऐसे इंतजाम करने की हमने तब कोशिश की थी। लेकिन मैं देख रही हूँ कि जैसे उनने कहा ये बजट कम कर दिया, और बजट कम करने के बाद जो मुख्य रिजर्वोयर है उसका पानी नहीं हुआ। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर मैंने शुरू कर दिया हो, या देवी सिंह जी ने शुरू कर दिया हो, या कोई और व्यक्ति आया उसने शुरू कर दिया हो, अगर वो कोई अच्छा काम है क्षेत्र के लिए और उसके साथ पैसा है तो उस काम को पूरा करने में मुसीबत क्या है? कौन है, क्या है, किसके नाम से है, क्या मतलब है? इतना बड़ा काम है जो सब लोग मरे जा रहे हैं उसके पीछे, गजनेर लिफ्ट और फ्लोराइड लिफ्ट हो जाता है, 200 करोड़ रुपया उसके साथ लगा हुआ मिल रहा है, तो लोगों के लिए काम करने में मुसीबत क्या होती? मैंने तो, मुझे याद है कि सरकार के जो पिछड़े हुए काम पड़े हुए थे जब हमारी सरकार आई थी, मैंने कभी एक मिनट के लिए पूछा भी नहीं। जब हम लोग इसकी रिव्यू करवाई तो रिव्यू के अंदर हमने ये पूछा कि यहाँ पे बाड़मेर की स्कीम है या ये जैसलमेर की स्कीम है, क्या जनता वाकई में इन स्कीम से लाभान्वित होगी? अगर लोगों ने कहा कि हाँ लाभान्वित होगी, तो हमने ये पूछा नहीं कि किसने स्कीम बनाई है, हमने तो यही पूछा कि जनता लाभान्वित होगी कि नहीं, और उसमें पैसे लगा के और अपने पूरी मदद करके उनको जमीन पे लाने की कोशिश की। हमने ये नहीं किया कि 4 साल तक उसको बंद करो वो और 5 साल पे शुरू कर दो, ये सोच कर करो कि लोग भूल जाएंगे कि वसुंधरा जी के टाइम में बना था और मेरा पट्टा वहां लग जाएगा तो लगेगा कि गांव वालों को कि इस स्कीम को मैंने बनाया और मैंने
क्या कहते हैं, अरे आपको पूरी तरह से निछावर हो, अपने नाम से लगा दो, परंतु अच्छा काम तो करो, लोगों को पानी पिलाओ। आज मैं देख रही हूँ कि बिजली की ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। ये बता रहे आपको, जहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है उस ट्रांसफार्मर के लिए दो दो महीने रुकना पड़ता है। कई लोग अभी लून जंक्शन में मुझे बता रहे थे चार चार महीने निकल जाते हैं, और हम लोग जब तक 20,000 रुपए 22,000 रुपए की रिश्वत नहीं देते तब तक हमको ये ट्रांसफार्मर वापस नहीं मिलता। मैंने एक किस्म से ब्लैकमेल ही हुआ कि आप जब तक हमको पैसे नहीं देंगे तब तक हम आपको अपना आपका ट्रांसफार्मर वापस देंगे नहीं। और याद आपको ये आपको याद होगा कि हम अपने टाइम के अंदर आपको एक चीज और याद देना कि जब हम लोगों ने ये ट्रांसफार्मर लगाए थे तो अपनी सरकार की ओर से ये चीजों के लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती, ना बिजली कभी। हाँ, दानी दानी मुख्यमंत्री योजना के अंदर आपको लाइट एक लड्डू जलाने का काम था, वो सब काम हम लोगों ने किया, आपको किसी चीज के लिए पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। अब मैं सुन रही हूँ कि ट्रांसफार्मर के लिए पेमेंट करने की जरूरत हो, तो पेमेंट हो रही है साथ में उसका आपको रिश्वत भी देना पड़ रहा है, तो कहाँ जाके आदमी बसा हुआ है ये समझ में नहीं आता। मैंने माता बहनों के लिए पहली दफा एक अलग लाइन निकाली, ये राजस्थान में कभी नहीं हुआ था। एक घरेलू बिजली करके हमने एक लाइन निकाली कि माता बहनों के पास बिजली चली जाए तो जिस माता बहन के पास कोई फ्रिज हो या कूलर हो या कोई तो गर्मी के अंदर वो चला सके, ठंडक हो घर के अंदर, आप लोग खेत में काम करके वापस आओ तो ठंडा घर मिले। ऐसी स्थिति हमने कर दी कि बच्ची को पढ़ाई करना हो, बच्चे को पढ़ाई करना हो तो लट्टू जल जाए और लट्टू जल के उसकी पढ़ाई और परीक्षा के लिए उसका काम हो जाए। ये सब हम लोगों ने इंतजाम करके रखा। आज कहां 24 घंटे बिजली जो आपको मिलना चाहिए था, आज मुश्किल से 5-6-7 घंटे मिलता है। माता बहने आपको और आप सबको मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि घर के अंदर की जो ये बिजली है वो 24 घंटे बिजली हमारी सरकार आएगी, 24 घंटे बिजली आप लोगों को मिलेगा, इसके लिए आपको चिंता आगे करके करने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से पीने का पानी हो या सिंचाई का पानी हो, कितना बड़ा स्कीम हो जाता है तो पीने का पानी उसमें से निकल ही आता है, पर्याप्त और साफ पानी, ये सबका आजकल के जमाने में राइट है। आप 65 साल के लोकतंत्र के अंदर जियो और पानी नहीं पी सको, ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। इसी में कह रही हूँ कि पैसा है सरकार के पास, ये काम जो आपने अधूरे रह गए हैं उनको अपन पूरा करेंगे और अच्छा स्वच्छ पानी लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये आप ये भी मैं आप कह रही हूँ नोट कर लेना, मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आते ही काम हो जाएगा, परंतु आने वाले 6 महीने 7 महीने 8 महीने के अंदर सरकार आपको जो जो काम इस तरीके से रह गए हैं उस काम को करने के लिए हम पूरी तरह से अग्रसर रहेंगे। ये आप लोगों को भी कहते हैं, आपके यहाँ 3 सामुदायिक अस्पताल मेरे को बताया जाता है, हमने तो कई CHC 22-20 खोले, तब डॉक्टर का भी इंतजाम करने की कोशिश होनी चाहिए, पर इनकी हालत खराब है। कहीं पर डॉक्टर की पर्याप्त संख्या नहीं है, अस्पताल में आपके 5 साल पर 2 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं, और सर्जन हो, महिला रोग विशेषज्ञ हो, फिजिशियन हो, ये सब पद खाली पड़े हुए। मैं देख रही हूँ कि 14-14 पद जहाँ होने चाहिए वहाँ 1 या 2 पद डॉक्टर आते नहीं है। ऊपर से आप लोग इतने बड़े बड़े स्कीम की घोषणा करते हैं कि हम तो मुफ्त दवाई दे रहे हैं, हम मुफ्त जांच करवा रहे हैं, जब डॉक्टर ही नहीं है उन केंद्रों के अंदर, जब डॉक्टर ही अस्पताल में नहीं बैठ रहा है तो ये सब काम कैसे हो रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता। इसी तरीके से एक्सरे ECG ये जांच सुविधा भी नहीं है। अरे पास हो आप तो फिर यहाँ से आपको बीकानेर जाना पड़ता है, यहाँ कोलायत के अंदर इन चीजों की कमी की वजह से आपको नहीं मिल रहा, और अगर कहीं पेचीदा डिलीवरी हो गई किसी के तो मार्ग फिर तो कमी मुसीबत ही है, फिर कहाँ जाओगे। इसीलिए क्षेत्र के उच्च प्राथमिक और माध्यमिक दर्जे के स्कूलों के लेक्चरर्स की संख्या भी नहीं, सिर्फ की समस्या। अब जो नहरों की समस्या थी अपन ने जब काम किया था तो ऊपर से लेके पंजाब से हम लोग नीचे आए तो हमने सबने जहां नहर जर्जर थी उनको ठीक करने के लिए पैसा और काम चालू किया, जहां सिल्टिंग थी वहां हम लोगों ने मशीनें खरीदी, 20-20 22-22 बड़ी बड़ी JCP बूम ये सब खरीदे, पैसा खर्च करके उनको लगा के सब पूरा जो मट्टी थी उसको हटाने का काम किया, लोगों को सही किया और गरीब जनता को ऊपर से नीचे तक तेल तक पानी पहुंचाने का काम किया। इस पे मुझे गर्व है कि हमने लोगों को पानी जैसे चाहता वैसे पहुंचाने का काम किया। आज कितनी शर्म की बात है कि नहरों में बहाव तो कम रहता है, तेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, और 7 दिन के स्थान पर 3.5 दिन नहरों में पानी छोड़ा जा रहा है,
भाई कोई बोलने वाला नहीं क्या? 7 दिन का पानी और 3 साढ़े 3 दिन आप लोगों को पानी मिल रहा है और तेल का पानी पहुंचना तो संभव ही नहीं है इसकी वजह से। अब 7 दिन नहीं चलेगा और 3 दिन के अंदर तो कैसे चल के पहुंचेगा? और अभियंता के 80% पद खाली पड़े हुए हैं और IGLP के नए जल वितरण व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और भाटी जी मैं और आप लोग सबको ये कहना चाहती हूँ जो यहाँ अपने क्षेत्र के लोग हैं कि BBMP के अंदर कितना लड़ाई लड़ने के बाद आज इनकी कड़ी से कड़ी जुड़ रही है। दोनों सरकारें इनकी हैं पर तो BBMP के अंदर ना आपका डायरेक्टर आज दिन तक बन गया है और नीचे के जो लोग थे उसमें एक राजस्थान का व्यक्ति वो भी अब रिटायर हो गया और रिटायर होकर चला गया तो राजस्थान की आवाज उठाने के लिए BBMP के अंदर कोई नहीं है। तो कितने बार बोला जाए इन लोगों को जब हरियाणा की लड़ाई करेंगे पंजाब के लोग लड़ाई करेंगे और राजस्थान के लड़ने के लिए कोई नहीं होगा तो किस तरीके से नहर का पानी ला के हम आप लोग तक पहुंचाएंगे ये बताओ मुझे। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आज ये शर्म की बात है कि सोनिया गांधी तो आई है राजस्थान और राजस्थान का सब पानी जा रहा है पाकिस्तान। आपने कभी सोचा है ये आ रही है तो ये तो पूछ के तो आती है कि यहाँ क्या मुसीबत है और तो बता दिया जाता कि 10,000 क्यूसेक पानी हमारा या 18,000 क्यूसेक पानी 18,000 क्यूसेक पानी हमारा पंजाब पाकिस्तान के अंदर चला जा रहा है। हमारी नहरों को ठीक कर देते उन लोगों से बात कर देते तो सरकार करवा देते तो वो पानी हम लोगों तक पहुंच जाता तो कितने सारे लोगों का फायदा उसका हो जाता। आप मीटिंग करने आए सूरजगढ़ के अंदर आप आए नागौर के अंदर परंतु जनता से कभी उनके नब्ज के ऊपर हाथ रख के ये पता करने की कोशिश की कि जनता क्या चाहती है? नहीं किया है और न करेंगे। कोलाय के अंदर भूमिहीनों की संख्या बहुत अधिक थी। रकवा राज की यहाँ कमी नहीं है। मैं सबको ये कह रही हूँ कि आज के जमाने के अंदर रॉबर्ट वाड्रा को तो आपने 10,000 बीघा दे दिए आराम से दे दिए सस्ती दे दिए महंगी बेच के चला गया परंतु हमारे किसान को आप कुछ नहीं करने को तैयार। गरीबों को ये भूमि अगर हम लोग आवंटित कर देते तो क्षेत्र में कितनी खुशहाली बढ़ती और मैं समझती हूँ कि नई पीढ़ी की तरक्की भी आज हो जाती। तो ये पूछ रही हूँ मैं कि अपने टाइम के अंदर अपन ने करीबन 20,000 से ज्यादा आदमियों को भूमि के पट्टे दिए थे। आप लोगों को याद है आप लोगों को भूमि के कितने सारे पट्टे दिए थे और मैं कह रही हूँ कि जब उस टाइम अपन दे सकते थे तो आने वाले समय के अंदर भी ये काम अपन करेंगे कि जो बाकी बच जाते हैं उन लोगों का भी काम करने का ये बहुत बड़ा। मैं तो सब आप लोगों को सुनता ही कहने आई हूँ कि हम लोगों को अब एक नया राजस्थान बनाना है। इस नए राजस्थान में हमारी महिलाएं आराम से सुरक्षित आगे चले हमारे किसान मजबूत हो जाए हमारे व्यवसाय मजबूत हो जाए हमारे बच्चों को रोजगार मिले। आज मैं ये कहती हूँ कि 10 लाख बच्चों को जो रोजगार हमने अपने टाइम में दिया था ये परीक्षाओं को करके कभी टेट है तो कभी कुछ है तो कभी कुछ और कोर्ट में ले जाके उनको अटकाने की बात ऐसा कर करके कितने हजारों की संख्या में हमारे पद खाली पड़े हुए हैं। न टीचर बन रहे हैं न डॉक्टर बन रहे हैं। ये बात की भी मैं अपने बच्चों को सबको बोलना चाहूंगी कि आने वाले समय के अंदर सरकार अपनी है तो ऐसे टाइम में हमारे बच्चों के रोजगार के ऊपर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा। आप लोगों को उसकी भी चिंता करें तो मैं हर ये कह रही हूँ पानी बिजली और रोजगार और डॉक्टर और टीचर ये पांचों चीज के ऊपर ध्यान देने का काम सरकार का है और जब हम लोग आएंगे नई सरकार बनाएंगे तो सबको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि खुशहाल समृद्ध राजस्थान उसके लिए हम सब काम करेंगे। 36 कौम सब मजहब मिलके एक परिवार के रूप में झगड़ा करके नहीं परंतु प्रेम के साथ जब चलेंगे तो राजस्थान फिर से विकसित होगा हमको हमारा स्वाभिमान वापस लौटेगा इज्जत के साथ हम लोग आगे चल सकेंगे और एक ऐसा स्टेट बना सकेंगे जिस स्टेट को देखने के लिए बाहर के लोग आएंगे। आज राजस्थान की इज्जत नहीं है परंतु आने वाले समय के अंदर हम इज्जत बनाएंगे। तो आप मुझे बताओ एक अकेला आदमी तो कर नहीं सकता क्या आप लोग सब तैयार हो बनाएंगे हम लोग सब मिलके बनाएंगे तो एक जोरदार नारा राजस्थान का जय जय राजस्थान। इतने मेरे हो गए अच्छी हवा चल रही है जोर से जय जय राजस्थान जय जय राजस्थान। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा जय भारतीय जनता पार्टी। आप सबको बहुत सारा प्यार बहुत सारा आप लोगों को बधाइयां दूंगी। मुझे विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर आप लोग अपने पैरों पे खड़े होके
जिस तरीके से नए राजस्थान के बनाने की भावना है उसको लेके आगे चलोगे, अपने लिए भी और राजस्थान को भी विकास की तरफ ले जाने का काम करोगे। इतना ही कह के आप लोग सबको बहुत सारा प्यार के साथ मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज के दिन आप लोग सबसे मुलाकात करने का मौका मिला। और गांधी जी और आपके सब कार्यकर्ता, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, दो बाहर से आए हुए हमारे जो बड़े नेता ज्ञान जी और मेघराज जी और साथ में सब मोर्चो, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ जिनने सबने मिलके इतना जोरदार मेहनत करके आज का कार्यक्रम में इतना भव्य किया। उसके लिए उन सबको और आप सब जो आए उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और प्यार देना चाहती हूँ।